नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि विक्रम भटनागर। मैं आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने एनिमल वेलफेयर के दो चमन चूतियों या महाचूतियों के बारे में जो हैं, दो सौरभ गुप्ता और उसका भाई काला बैगन जिसे कहते हैं ना गौरव गुप्ता, उनके बारे में डालने जा रहा हूँ। सौरभ गुप्ता ने कल एक अपना वीडियो शेयर किया फेसबुक के ऊपर, जिसमें वो मेवात के इशू के ऊपर बोल रहा है। पहली बात, साले उल्लू के पट्टे, तेरी औकात क्या है तू मेवात के इशू के ऊपर बोल रहा है, इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर तू अपनी औकात तो देख। अबे मेनका गांधी जो है एनिमल वेलफेयर की फ्रॉड है, देशद्रोही है, सब जानते हैं। तूने जो है मेनका गांधी के कहने के ऊपर लता परमार, दुर्गा राय के साथ मिलकर के तुम लोगों ने मुझे 350D2 में फंसाया और मुझे जेल भिजवाया। कोई बात नहीं, वो मैं जेल जाके मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत जेल जाके होती है, चाहे वो वीर सावरकर जी हों, चाहे कोई भी हो। और नाम लेना नहीं चाहता, तुम्हारे सामने बड़े बड़े नाम लेना बड़े नामों की जरा इंसल्ट हो जाती है। तो मैं तुझे ये बताऊंगा साले, तू मेवात के बारे में बोल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा है, अपनी शक्ल तो देख। इसका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मेवात का एरिया उत्तर प्रदेश को दे देना चाहिए, या माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को वहाँ का इंचार्ज बनाना चाहिए। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो भाई भाई तो खैर क्या कसाई है साले, तू कसाई सौरभ गुप्ता, तू एक बात सुन। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है 91935 एक एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, उसके अंदर इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, एक स्टेट्स का एक राज्यों का एक समूह है। तो हर राज्य अपने अपने राज्य की कानून व्यवस्था देखता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंडर चलता है। तो पहली बात तो तू ये हरियाणा की पूरी जनता को, वहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री जी को एक चुनौती दे रहा है कि यू आर इनकम्पिटेंट पर्सन। नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह कंपिटेंट हैं, उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने मेनका के कहने पर तेरा FIR बंद करा दी, जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने लिखी थी ना तेरे झज्जर वाली केस में, वो भी मैं लेटर शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी मैं बात पर रहता हूँ, तू साले मैं बात के ऊपर इतने सेंसिटिव इशू पर कैसे बोल रहा है अभी? भाई इशू का इशू तो देख पहले कितना सेंसिटिव है। हमारे देश की पॉपुलेशन है 125 करोड़ के आसपास, और उसकी रेशो भी तेरे को पता है, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा यहाँ पे। तो तू उसके अंदर काउस लुटरिंग ला रहा है, मोनू मानेसर को ला रहा है, अपना एनिमल वेलफेयर का, अपना एनिमल से एक्सट्रोशन जो तू करता है उसका एजेंडा लेके आ रहा है। तू काउस लुटरिंग का पैसा खाता है, सबको मालूम है। तू जामा मस्जिद से जो है पूरा पूरा मतलब तेरा मंथली बंधा हुआ दुकान से, सबको मालूम है। 80% पेट शॉप से तुम लोगों का पैसा आता है, सबको मालूम है। जो एनिमल्स तुम रेड में जो है सीज करते हो, इलीगली सीज करते हो, तुम्हें कोई राइट नहीं है, वहाँ से तुम एक्सट्रोशन लेते हो। झूठे रेप केस डालना, मोलेस्टेशन केस डालना, बिल्डरों से तुम्हें एक्सट्रोशन लेना, मतलब कोई काम तो छोड़ दो ये सारे। मतलब तुमने सोच रखा है कि दाऊद इब्राहिम को मतलब पाकिस्तान भगा दे तो तुम दाऊद की जगह ले लोगे? तो तुम देशद्रोही लोगों, ये स्टेट्स के बीच में और हमारे देश की जो जनता उसके बीच में आग में घी डालने का काम मत करो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम गधे हो, चूतिया हो। तुम्हारी माँ को मैं गाली देना नहीं चाहता, तुम तो सबकी माँ को गाली देते हो, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन मन ही मन में लोग बहुत गालियाँ देते हैं, क्योंकि तुम साले अपने बाप के सगे नहीं हुए तो अपनी माँ मतलब भारत माँ के तो क्या सगे होगा, तुम्हें तो सब पैसे से मतलब है। तो फेडरल स्ट्रक्चर समझ ले पहले, समझा हिंदुस्तान का क्या है। और किसी भी सेंसिटिव इशू से बोलने से पहले अपनी औकात देखा कर साले, आग में घी मत डाल हरामी के पिल्ले, गधे के बच्चे। तेरे लिए इतना वीडियो काफ़ी है, तेरे को मैं ज्ञान देने के लिए वीडियो नहीं बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ ले पहले, उसके बाद वीडियो डाल लियो। तेरे इस वीडियो को मैंने अथॉरिटीज को जो है भेज दिया गया है, जो भी अब एक्शन होगा देखा जाएगा। और तूने जो लता परमार दुर्गा राय के खिलाफ 153A, B, 295, 268, 499, 500, 511, ITX 67, 36, 120B की FIR बंद कराने के लिए तूने जो तोड़ जो धमकियाँ दी थी ना पुलिस ऑफिसरों को, कुछ काम नहीं आई। विजयनगर पुलिस स्टेशन से उस FIR की इन्वेस्टिगेशन कोतवाली चली गई है, वहाँ के आई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नए अपॉइंट हो गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विल मॉनिटर दिस। हालांकि मेरी डिमांड तो थी कि इस FIR को CBI या NI को दिया जाए, लेकिन यहाँ कही है तो, लेकिन अभी मेरी डिमांड ये है कि एजेंसी चेंज की जाए, क्योंकि तुम लोग जिस प्रकार से गुंडागर्दी करते हो पुलिस अधिकारियों के साथ, जब तक चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम तुम्हारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपनी औकात में रहना सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। बाकी तुम चूतिया नहीं, महाचूतिया, चमन चूतिया लोग हो भाई। मैं गालियाँ देना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें। पर तुझे मेरी जो तू फोटो डाल रहा है उसके अंदर PC के अंदर, साले तूने तो पुलिस वालों की भी रेल बनवा दी, अपनी तो बनवाई बनवाई।
मेरे सामने फ़ोन आ रहा है तेरा, मेरी आईओ के सामने गौरव गुप्ता बोल रहा हूँ, तो तू ये देखना साले अपनी औकात देख, तू तूने तो पूरी पूरी पोल पट्टी कॉन्स्पिरेसी खोल दी कि सुरवीर आवत, लता परमार, दुर्गा राय, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, मेनका गांधी सब इसमें मिले हुए हैं देशद्रोह के केस के अंदर, और मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि इसमें FIR से वापस हट जाऊँ। FIR से वापस नहीं हटने वाला, तुम पे एक FIR और पड़ रही है। तो बेटा अपने बाप के नक बेटा बोल रहा हूँ, मेरे बेटे तो तुम बनने लायक ही नहीं हो, मैं तो भैया ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अच्छा हो कि मैंने शादी नहीं करी, तुम्हारी जैसी एक दो औलादे होती तो साला मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाती है, ऐसी निकम्मी घटिया औलादें दिख के, तो मतलब कोई भी इज्जतदार आदमी मर जाएगा कि साले जो अपनी गौ माता को कत्ल करवा के उनका पैसा खाए, काउस लोटरिंग में इन्वॉल्व रहे, और भी बहुत सारे काम है तुम्हारे सारे हवाले के भी, मतलब जामा मस्जिद में तुम्हारा जो है खास नाम भी बताऊंगा बहुत जल्दी, जिसका जो तुम्हारी हवाला डीलिंग देखता है पूरी, और रजौरी गार्डन में सुअर के फीमेल कर लो तो कुछ बनता है ना, तो उसके बारे में एविडेंस के साथ बेटा सब डालूंगा तुम्हारे को, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर ये गलत फहमी थी कि तुम मुझे डरा दोगे 354D2 के अंदर डाल के कॉन्स्पिरेसी करके, तो वो रवि भटनागर डर जाएगा, बैठ जाएगा, या वो मेनका गांधी हो के कहने पर, मतलब मैं टेबल पर बैठ के बात करूँगा, भूल जाओ बेटा, भटनागर ना टेबल पर बैठने वाला, ना तुमसे डरने वाला, तुम्हें तुम्हारी असली औकात बता कर रहेगा। धन्यवाद।